वेलकम टू द क्रेज़ी डिज़ाइनर। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम बैनर डिज़ाइन करेंगे। हम एड्स के लिए बैनर्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि हम हमारा कोई ब्रांड है या कोई शॉप है, तो आप बाहर जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, बैनर्स लगे हुए होते हैं कि इतनी परसेंट सेल है और इतनी परसेंट सेल है क्लोथ्स के लिए, स्लीपर्स के लिए और बहुत सारी चीज़ें के लिए। तो हम वो एक फर्जी ब्रांड स्टाइल हम एक बैनर डिज़ाइन करेंगे, तो देर किस बात की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में आके आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन प्रेस करें। कंट्रोल प्लस एन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आर्ट बोर्ड नज़र आएगा। ये आर्ट बोर्ड नज़र आने के बाद आप यहाँ पे उठाएंगे 5 इंचेस विड्थ और 2 इंचेस हाइट। अब आप ये याद रखें, यहाँ पर फीट में गिवन होता है, फीट यूनिट गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फीट यूनिट गिवन नहीं है, तो हम इंचेस में इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस यूनिट्स में गिवन है। यहाँ पे देखें फीट नहीं गिवन, आपको फीट जो है वो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंचेस में इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आए आप। यहाँ पे आपको 300 बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, रेजोल्यूशन आपको 400 रखनी है। यहाँ पर आपको RGB कलर बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, आपको CMYK के रखना है और यहाँ पे कर देना है क्रिएट। क्रिएट हो गया ये आपके पास। अब मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, मैं यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये पिक्चर मेरे पास बाहर मौजूद है, मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ। ज़ूम करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर मैजिक टूल लें और सेलेक्ट करें और उसको क्लिक करें। अब शिफ्ट दबाकर इसको अगेन प्रेस करें जहाँ जहाँ पे आपको रहता है ये। ठीक है, ये रहा। अब आप यहाँ पर आएंगे और इस पर आप करेंगे, इस लेयर पर आप करेंगे लेफ़्ट क्लिक और इसको रास्टराइज लेयर करेंगे। अगर ये रास्टराइज लेयर नहीं हो गई तो आप याद रखें आपके पास एक एरर आ रहा होगा। ठीक है, अब आप सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करें। ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड कितनी आराम से डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ इशू आपको नज़र आ रहे हैं। तो सिंपली इसको भी ऐसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, ये डिलीट। ये देखें इतनी सफाई के तरीके से डिलीट हो रहा है। ये देखें हेयर के साइड पर, ये देखें। ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको जब आप छोटा करेंगे साइज में तो ये इतना वाजे नहीं होगा। ये देखिए, रेड किया, इसको रेड किया। ठीक है, यहाँ रेड किया, ओपन को माइनस कर दें। देखें ये काफ़ी हद तक आपके पास, ये देखें आपके पास काफ़ी हद तक ये आपके पास डिलीट हो चुका है। ये देखें, और यहाँ पर आए, ये रहता है, इस ये पोर्शन रहता है, तो डिलीट करें। ठीक है, ये पोर्शन उठा लें और जितनी सफाई से कर सकते हैं आप उतनी सफाई से आप डिलीट करें। ठीक है, ये डिलीट करें।
एक आपको एक सिलेक्शन टूल भी उठा के आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ आप थोड़ा सा छोटा करें, हमें छोटा साइज चाहिए। ओके, करें सेलेक्ट किया डिलीट, और छोटा साइज़ करते हैं इसका, और जहाँ जहाँ आपको ये रखना है आप सिंपली ड्रैग करें और डिलीट करते जाएं, ड्रैग करें और डिलीट करते जाएं, ड्रैग करें डिलीट करते जाएं। ठीक है, ये देखें कितनी सफाई के तरीके से है, ये आपके पास एक डिलीट हो चुका है। ये लेकिन ऊपर का एक हिस्सा रहता है तो ये हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर आएंगे और सिंपली आप ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे और रेक्टेंगल टूल उठाएंगे और आप ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। ये मैंने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल। अब इस पर मैं कलर दे रहा हूँ, इस पर कलर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर येलो। ठीक है, और मैं इसका स्ट्रोक कर रहा हूँ वन। ये स्ट्रोक होता है, ये फिल होता है। अब देखें ये तस्वीर तो पीछे चली गई, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल ही यहाँ पर आके इसको आप नीचे कर देंगे, ये तस्वीर आपकी आ गई ऊपर। ठीक है, इसको आप अपने अरेंज जैसा आपको चाहिए आप वैसे इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल ऑफ़र। आप आएंगे सिंपल ही टाइप टूल में, इसकी शॉर्टकट है टी, आपने यहाँ पे लिखा सेल। ठीक है, सेल लिखा और इसका साइज कर दिया आपने स्केल। साइज स्केल आप क्या करेंगे, इसका बड़ा कर देंगे और 36% कर दें इसको बोला, या इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं 60%। ये आपके पास 60% हो चुका है। आपको अगर चेंज करनी है ये फॉन्ट तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये रहा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं आप जो चाहें आप अपने लिए फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितना सिंपल होगा इतना अच्छा लगेगा। ये देखें सेल के हिसाब से ये चलता है फॉन्ट। अब यहाँ पे सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेल। अब ये क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद इसको हम कलर देते हैं रेड। रेड कलर दिया और मैंने इसकी कॉपी निकाल लेनी है, इसका अल्टर अल्टर पकड़ के इसको आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और थोड़ा सा आगे लें। ठीक है, इसकी निकल चुकी है कॉपी, इसको कंट्रोल टी से आप को यहाँ तक लेके आए और एंटर कर दें। ठीक है, अब इसका आप साइज़ कलर जो भी आप चेंज करना चाहें इसको आप क्लिक करें। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप कलर आप कर दें यहाँ पर ब्लैक इसका। ठीक है, आपने कलर कौन सा करना है, ब्लैक। ये आपने इसका कलर, ये कलर हो चुका है ब्लैक। लेकिन अब देखें मुझे रेड वाला ऊपर लाना है और ब्लैक वाला पीछे करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लैक वाले को पीछे ले जाऊँगा और रेड वाला ऊपर ले आऊँगा। अब देखें मैं यही कॉपी कर दूँगा यहाँ पर, ये यहाँ पर कंट्रोल जे कर दूँगा, सिंपली कंट्रोल जे करूँगा तो यहाँ पर निकल चुकी है मेरे पास एक कॉपी इसकी, और इसको ऊपर कर दूँगा थोड़ा सा, इसको भी ऊपर कर दूँगा थोड़ा सा। ये देखें ये स्मार्ट गार्ड आपको बता रही है कि हमारा सही है ऑप्शन या नहीं, हमने सही रखा है अपना ऑब्जेक्ट या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट कहाँ है, टी दबाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। लेकिन अब इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए तो इसका क्या करेंगे, सिंपल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और साइज़ करेंगे हम तकरीबन 14।
40 नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा, 24, 24 बेस्ट है साइज़, ठीक है। 24 जाकर आपने सेल स्टार्ट और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आपने कर देना है चेंज। ये देखें, ये बेटर रहेगा, थोड़ा सा साइज़ थोड़ा छोटा कर दें, 18 पे ले आएँ, और ये स्टार्ट एक्स्ट्रा ऑफ़र, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑफर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है एक्स्ट्रा ऑफर। अब सेल स्टार्ट एक्स्ट्रा ऑफर मतलब कि सेल जो स्टार्ट हो रही है वो क्या हो रही है, एक्स्ट्रा ऑफर से सेल स्टार्ट हो रही है। अब मुझे बताना है कि इतनी परसेंट ये क्या होगा, इतना परसेंट ये सेल में है और इतने परसेंट सेल में नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अप टू, ठीक है, अप टू लिखने के बाद 50% 50% ऑफ। अब देखिए इसका कलर मुझे करना है चेंज, ये कलर इसमें मुझे नहीं रखना, तो अब मैं इसका कलर कर दूँगा कलर जो आप कहेंगे वो रखा जाएगा, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये अप टू 50% ऑफ, लेकिन अब मैं ये नहीं करूँ कि सबको मैं साथ लिख लूँ, सबको एक ही लाइन में अरेंज करूँ, तो मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ। अब देखें ये अप टी दबाएँ और यहाँ पे लिखें 50%, ठीक है, यहाँ पर है, आप यहाँ पर आना है, टी दबाना है और फिर यहाँ पे ऑफ लिख देना है। ऑफ लिखने के बाद आपको इसको सबको साइज़ में एक्यूरेट रखना है, आपने एक्यूरेट रखना है ये, और मैं 50% को कर रहा हूँ साइज़ में बड़ा ताकि ये अच्छा लगे। देखें मैंने किया एंटर अप टू 50% ऑफ, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक बॉक्स बनाने है तो मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस बॉक्स को मैं कलर दे देता हूँ, इसका फिल करता हूँ, स्टोक करता हूँ बंद और फिल करता हूँ वाइट, ठीक, ये वाइट कलर आ गया। लेकिन अब आप देखें ये इसके ऊपर है, लेकिन ये बॉक्स ऊपर है तो मैं क्या करूँगा, ये देखा अप टू पर है तो अप टू के मैं इस बॉक्स को नीचे ले जाऊँगा, ये अप टू के ऊपर आ चुका है। अब मुझे इसको अरेंज करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ अल्टर दबा के इसको सिंपली, देखें लेकिन ये कॉपी हो रहा है, आपने रेक्टेंगल ही उठाना है, ठीक है। अब देखिएगा आपका के रेक्टेंगल पे ही हो क्लिक, अगर नहीं होगा तो ये ऊपर जैसे कॉपी ये उठाएं, कंट्रोल जे दबा दें यहाँ पर सिंपली, अगर आपको परेशानी हो रही है तो कंट्रोल जे दबा दें, ये सिंपली आपके पास ये देखें इसकी कॉपी आ चुकी है, ये आप यहाँ अरेंज कर दें और इसको वापसी कंट्रोल जे दबा दें, देखें। लेकिन ये किसकी है, ये इसकी, अब इस पर आप आएंगे कंट्रोल जे दबा दें, देखें एक और कॉपी हमारे पास मिल चुकी है, और इसको साइज़ में एक्यूरेट रखें बिल्कुल बैलेंस करके, ऑफ को नीचे कर देना है थोड़ा सा, ऑफ का साइज़ हम इसका साइज़ कर देते हैं बड़ा और इसको नीचे से कर देते हैं लॉन्ग, ठीक है, इस
रहेंगे आप, और बैलेंस रखना है आपने बिल्कुल, इसका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट रखें, साइज़ ये एक्यूरेट आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, अब मैं सेल को सही करता हूँ, सही जगह पर सेल रखता हूँ, ये सेल। अब मैं सेल पे यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ। मेरे इस सेल पे मुझे स्टॉक देना है, तो मैं आऊँगा यहाँ पर और स्टॉक थोड़ा सा, ठीक है, ये ओपेसिटी है और ये डिसॉल्व लगाना चाहें आप, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, लाइट, ठीक है, डिसॉल्व ज़्यादा बेटर लग रहा है और ठीक है लाइट है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन क्या अब मुझे ये देखें, मुझे इनर ग्लो करना है इस पर, मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इनर ग्लो का, और ठीक है ये आपका बैनर बिल्कुल रेडी हो चुका है। पहले हम इसको क्या करेंगे, ये आपका बैनर रेडी हो चुका है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज में आके। अब आप देखें मैं एक्सपोर्ट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने भी एक्सपोर्ट किया नहीं है, एक्सपोर्ट ऑल करेंगे। एक्सपोर्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर आप साइज़ ये देखें, आपने मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैंने इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ये मेरे पास एक एक्सपोर्ट हो चुका है मेरा बैनर डिज़ाइन। ये देखें कितना प्यारा बैनर डिज़ाइन बना है आपको। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।